आजादी के बाद इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ घातक खिलवाड़ हुआ है। पूरे देश के छात्रों पर एक खास विचारधारा को थोपने की आपराधिक साजिश हुई है। देश के मासूम छात्रों को वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो तथ्यात्मक या प्रामाणिक था, बल्कि वो मनगढ़ंत इतिहास पढ़ाया गया जो सत्ताधारी दलों की राजनीति को सूट करता था। लेकिन इतिहास जो गलत पढ़ाया गया, एपिसोड के जरिए हम इस साजिश की कलई एक एक कर पुख्ता प्रमाणों के साथ खोल रहे हैं। सियासी फायदे के लिए छात्रों से छल, राजनीतिक लाभ के लिए देश से विश्वासघात, छात्रों पर थोपी गई वामपंथी विचारधारा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय के राजनीतिक कर्णधारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एक सूत्र में बांधने की, अनेकता में एकता वाली हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की, अतीत के गौरव से दोबारा देशवासियों को परिचित कराने की। लेकिन अफसोस कि तुच्छ स्वार्थों के वशीभूत होकर तब के सियासतदानों ने अपनी सत्ता का स्थायी बंदोबस्त करने के लिए देश के अनुपम और गौरवशाली अतीत पर पर्दा डालने की मुहिम शुरू कर दी। यानी अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की जो विरासत छोड़ी थी उसी को अपनाकर सत्ता सुख को बनाए रखने की कोशिश हुई, और इसके लिए निशाने पर लिया गया देश के मासूम बच्चों को। साल 1961 में NCERT की स्थापना की गई, जिसका मकसद शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नीति और कार्यक्रम बनाने के लिए सुझाव देना था। लेकिन NCERT ने देश भर के स्कूलों के लिए कक्षा 6 से 12 तक की किताबों का प्रकाशन शुरू कर दिया। NCERT पर पूरी तरह वामपंथी इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने कब्जा जमा लिया, जिनका एक सूत्री एजेंडा राष्ट्रवाद की भावना को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देना था। इसी तरह साल 1972 में तब के शिक्षा राज्य मंत्री नूरुल हसन की अगुवाई में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का गठन हुआ। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में चुन चुन कर वामपंथी इतिहासकार भरे गए। बाद में आलम यह हो गया कि देश की तमाम यूनिवर्सिटीज और अकादमियों में सिर्फ और सिर्फ वामपंथी इतिहासकारों की ही नियुक्तियां हुई। NCERT और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद पर कब्जा जमाने के बाद वामपंथी कर्णधारों ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया, और किताबों में वही बातें लिखी गईं जो इन वामपंथी विद्वानों के राजनीतिक आकाओं को सूट करती थीं। नतीजा ये हुआ कि हमारी करीब 3 पीढ़ी अपने देश के तथ्यपरक और गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह अनजान रही और वो बातें पढ़ती रही जो भ्रामक होने के साथ ही देश की विराट एकता के लिए घातक भी है। जिस समय सावरकर काला पानी काट रहे थे और भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, अंग्रेज़ों ने पंडित जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाला था, जहां पर उन्हें ये सुविधा थी कि वो किताबें लिख रहे थे। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी जेल में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में वो चिट्ठियाँ हैं जो इन्होंने जेल से अपनी बेटी को यानी इंदिरा गांधी को लिखी थी। अब इन दोनों ही किताबों में वो सारे के सारे झूठ हैं जो आज तक प्रचलन में हैं। एग्जांपल लीजिए कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी आज भी प्रमोट की जाती है, और विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन आज भी किया जाता है। आप सिर्फ एक उदाहरण से समझ जाएंगे कि पंडित जी ने बाबर को प्रिंस चार्मिंग कह के संबोधित किया हुआ है इन किताबों के अंदर, और बाद में इन दोनों बाप बेटी ने जो संस्थान बनाए हैं, यहाँ उनका टेम्पलेट पहले ही बन चुका था, उसी को इन्होंने प्रमोट किया है। मार्क्स, माओ और स्टालिन के जेलों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें हिंदुस्तान के गौरवशाली अतीत, हिंदुस्तान के प्राचीन अनमोल अतुलनीय कालजयी ग्रंथों, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की एकता अखंडता से भी भीतर तक चिढ़ है। इसीलिए भोले भाले मासूम बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबों को गढ़ते हुए उनकी कलम जब भी चली उससे जहर ही निकला। इनकी लेखनी का कमाल ये है कि अपना सनातन संस्कृति विरोधी एजेंडा सेट करते हुए ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे पहली नजर में इनकी साजिश डिकोड ही न होने पाए। लेकिन जब आप गहराई से मंथन करते हैं तो किताबों में डाला गया जहर ऊपर आ ही जाता है। NCERT की 12वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली एक किताब है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस किताब में जम्मू कश्मीर के बारे में भी चैप्टर है। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया तो इस किताब में इससे जुड़ा संशोधन किया गया।
12वीं में पढ़ाई जाने वाली स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम की किताब के पेज नंबर 158 पर लिखा गया है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए। देखिए कितने करीने से ये बता दिया गया कि एक अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस अनुच्छेद को संविधान में अस्थाई प्रावधान के तौर पर 14 मई 1954 को जोड़ा गया था और इसके लिए संसद की भी अनुमति नहीं ली गई थी, बल्कि जम्मू कश्मीर की तत्कालीन सरकार की सहमति लेकर राष्ट्रपति के आदेश के जरिए इसे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। आज़ादी के बाद से ही ऐसी बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां हमारे देश में काम कर रही हैं जो या तो विदेशों से पोषित हो रही हैं, वो माओवादी हो सकते हैं या मिशनरी हो सकते हैं या जिहाद लॉबी हो सकती है, और कुछ हैं जो यहाँ हमारे देश के ही छोटे छोटे छुटभैये नेता हैं जो अपनी बड़ी छोटी छोटी राजनीति के लिए इस तरह की विघटनकारी शक्तियों को बल दे रहे हैं। जब आप इन किताबों को देखेंगे तो इनमें क्या किया है, इन उपद्रवों को, इन विघटनकारी शक्तियों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप अगर चैप्टर का नाम देखेंगे उसमें लिखा है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तो जब आप उनको इस तरह से महिमा मंडित करेंगे तो आपको पहली नज़र में ये समझ में आ जाता है कि जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं उनका उद्देश्य हमारे देश को तोड़ने का और विघटनकारी शक्तियों की प्रशंसा और उनको प्रोत्साहित करने का था। वामपंथी लेखकों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने तय एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए वे अपनी किताबों में एक ही झूठ को कई तरह से गढ़ते हैं। बच्चों को पहले झूठ या अधूरी बात बताएंगे, फिर उसी झूठ को और पुष्ट करने के लिए अगले चैप्टर में वही बात दूसरे तरीके से गढ़ देंगे। 12वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली स्वतंत्र भारत में राजनीति किताब के एक अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं के नीचे उन्होंने क्या लिखा है उस पर जरा गौर कीजिए। आपने जैसा कि गत वर्ष पढ़ा है, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। इसी किताब में पहले लिखा कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए अनुच्छेद 370 को हटा दिया। आगे उसकी याद दिला रहे हैं कि इस अनुच्छेद के तहत राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। यहां भी उन्होंने अनुच्छेद 370 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं बताई ताकि बच्चों के दिमाग में चीजें क्लियर हो सकें। कुल मिलाकर तो यही लगता है कि मानो 370 हटने से वामपंथी लेखकों की छाती फटी जा रही हो। इसी किताब के पेज नंबर 154 और 155 पर जो लिखा है उसे पढ़कर अनुच्छेद 370 हटने के उनके मन की पीड़ा साफ तौर पर झलक जाती है। जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। भारत दावा करता है कि इस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। अपना ही देश, अपने ही देश के राइटर, अपने ही देश के छात्रों को पढ़ाई जाने वाली किताब, गौर कीजिएगा, लिखा गया है भारत दावा करता है कि इस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। अब कोई इन मूर्धन्य वामपंथी विद्वानों से पूछे कि यह भारत का दावा है कि यही सच है। अच्छा, आगे ये भी लिख देते हैं कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। सवाल यह है कि क्या भारत उसे आजाद कश्मीर कहता है? छात्रों को ये क्यों नहीं बताया गया कि भारत इसे पाक अधिकृत कश्मीर कहता है? ये वो बातें नहीं बताते जो सच हो और भारत के पक्ष को मजबूत करने वाला हो। इसी किताब के पेज नंबर 155 पर जो लिखा है उससे इनके लेखकों की मंशा और साफ हो जाएगी। स्वतंत्र भारत में राजनीति किताब के पेज नंबर 155 पर लिखा है, आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। अब जरा इनसे कोई ये पूछे कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आंतरिक रूप से कश्मीर को लेकर कौन सा विवाद बचा हुआ है? या तो 370 हटने के बाद इसके लेखक पहले से लिखी इस लाइन को हटाना भूल गए, या फिर साजिशन इसे छोड़ दिया ताकि कश्मीर को लेकर विवाद का संवाद मरने ना पाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनुच्छेद 370 हटने के पहले तक इस किताब में जम्मू कश्मीर को लेकर बच्चों को दिल खोलकर भ्रामक और देश विरोधी जानकारी परोसी जाती थी। 2019 के पहले तक इस किताब में एक चैप्टर था अलगाववाद और उसके बाद, जिसमें क्या लिखा गया था उस पर गौर कीजिए।
1989 से कश्मीर में आने वाली अलगाववादी राजनीति ने अलग अलग रूप धारण किए हैं और इसमें कई तरह के हितधारक शामिल हैं। अलगाववादियों का एक हिस्सा भारत और पाकिस्तान से स्वतंत्र अलग कश्मीरी राष्ट्र बनाने वाले हैं। फिर ऐसे समूह हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो। इनके अलावा तीसरा धड़ा है जो भारतीय संघ के भीतर राज्य के लोगों के लिए अधिक स्वायत्तता चाहता है। इन पंक्तियों में सीधे तौर पर साजिश के महीन तार शायद आपको न दिखें, लेकिन जरा सोचिए, अलगाववादियों या कहें आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर का हितधारक बताकर छात्रों के मन में ये क्या भरना चाह रहे हैं। राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उस समय, हालांकि वो भारतीय राज्य में मिलना चाहते थे 1947 में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी उन्होंने साइन कर दिया था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी जो दो वर्ष बाद ये अनुच्छेद संविधान में लगाया गया और उसके तहत ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर को दी गई। दरअसल एनसीईआरटी और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का गठन ही देश के बच्चों के मन मस्तिष्क को एक खास विचारधारा वाले सांचे में ढालने के लिए किया गया था। मकसद ये था कि इस देश में राष्ट्रवाद की भावना न पनपने पाए और लोगों का ब्रेनवॉश इस तरह से हो जाए कि देश के गौरवशाली अतीत और शाश्वत अलौकिक संस्कृति की बात करने वाले हाशिए पर चले जाएं। वामपंथी इतिहासकारों और लेखकों ने 6 दशक तक अपने इस एजेंडावादी लेखन को बेरोक टोक अमली जामा पहनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।